यार किया मरे तो निक जाएंगे सत पा खैर गुदास प्रेम पंत की पालती रविदास बैठे आए साके स्वामी मिलने को आनंद के हो ना जाए बाबा पिपलदास सतगुरु सरवणदास सतगुरु हरिदास गुरु जोए सो हमारी रखिया कर है विघ्न न लागे कोए तन तन सतगुरु गरीब दास बंधो नित सुबह शाम चरण कमल को दंड बत कोट कोट प्रणाम तन तन जगत गुरु सतगुरु दास महाराज जी के पावन चरण कमलों में उपस्थित आप ये संस्मार और साध संगत जी 31 जनवरी को विश्व में जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जी का 641वां आगमन पर्व एवं रविदासिया धर्म का नौवां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आज संत महाराज तीर्थदास जी और संगत के महान उपराले से संत महाराज सुखदेव बागमारे जी संत महाराज सतपाल दास जी और आप संत संगत के सहयोग से 6 क्विंटल 41 किलो का मानवता के साथ प्रेम करने का करुणा का विश्व भाईचारे का और पूरे विश्व को बेगमपुरा वतन बनाने का संकल्प दिया। जगत गुरु रविदास जी महाराज जी ऐसे महारहब जिन्होंने देशों विदेशों में जाकर सब चीजों को पराधीनता गुलामी भेदभाव से मुक्त होने का उपदेश दिया और उच्चारण किया सर्व एक अनेक स्वामी सब कट भोग वै सोई ये सब मानव मानव समान है। और जब जब गुरु रविदास महाराज ने देखा इस संसार में भेदभाव है समाज का एक वर्ग है जिसे सदियों से मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया सतगुरु ने क्रांति का बिगड़ बजाया और उच्चारण किया रविदास जन्म के कारण होत न को नीच नरको नीच का डर है उच्चे कर्म की कीचे कि कोई भी जीव इस संसार में जन्म के कारण छोटा बड़ा नहीं जीव कर्मों से श्रेष्ठ है पराधीनता पाप है जान ले हो रे मीत रविदास दास पराधीन सो कौन करे हैं पीत इस संसार में पराधीनता गुलामी सबसे बड़ा पाप है। और जगत गुरु रविदास जी महाराज जी के क्रांतिकारी कल्याणकारी समाजवादी परमार्थी उपदेशों को सुनकर अनगिनत राजे महाराजे और सभी वर्गों के लोग झुके। जगत गुरु रविदास जी महाराज ने अमृत वाणी की शुरुआत जहाँ से की तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा के हर जी आप में और मेरे में और आप में कोई अंतर नहीं है। और जगत गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी अमृत वाणी में अनेकों बार अपने नाम के साथ चमार शब्द लिखकर सदियों के गौरवशाली इतिहास पर मोहर लगाई नागज ना मेरी जात विख्यात चमारंग कि मेरी जात विश्व विख्यात चमार जाती है जिसके राजा महाराजाओं का सदियों तक भारत वर्ष पर राज रहा। तो जगत गुरु रविदास जी महाराज आप परमात्मा थे वो इस संसार में क्रांति लेकर आए और माघी मकर संक्रांति को अपना कंधा चीर कर चौहान युगों के नेव निकाले बाद में सूत का नेव उतार दिया किसके पहने की जरूरत नहीं बैसाखी के ऐतिहासिक पुर पर गंगा घाट पर किला चलाकर मानव रोधियों के अहंकार को तोड़ा राजा कुंभा रानी जालाबाई के दरबार में अनगिनत रूप दान कर संगत पंगत की प्रथा शुरू की। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जी 155 साल इस संसार में रहे और असार की संग्राम 1528-1583 विक्रमी संवत को संदेही ज्योति जो समाये
होकर मानवीय अधिकारों का अनुभव कर सके। और जगत रविदास जी महाराज जी ने उच्चारण किया, रविदास मनुख कर वसन कर, सुख कर है दो भाव, एक सुख है स्वराज में दूसर मरगट गा। स्वराज होना चाहिए ऐसा चाहूं राज में, जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबसे, रविदास रहे प्रसन्न। सारी मानवता के लिए ऐसी राज व्यवस्था चाहिए जिसमें कोई जुर्म ना हो, कोई पराधीनता ना हो, सब को मानव मानव समान हो। तो हम ऐसे महान एवं जगत रविदास महाराज की संतान हैं, तो हमें इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, अपने गुरु के चरणों में समर्पित होना चाहिए। जिस कौम का इतना बड़ा महाजैवर, जिसके चरणों में सभी वर्गों के लोग जुटे, अनगिनत राजा महाराजे जुटे, हम उस महाजैवर की संतान हैं। भारत के अलग अलग प्रांतों में किमार जाति के लोगों को अनेक नामों से याद किया जाता है, पर सबका कुल गुरु एक है, जगत गुरु रविदास जी महाराज, और उनके नाम पर हमें रविदासिया धर्म मिला है। जब भी जनगणना मतगणना आती है, जनगणना आती है, उसमें रविदासिया धर्म ही अपना लिखवाना है। तो आप जो अपना ग्रंथ है, अपना हल्का निशान है, अपना धार्मिक ग्रंथ है अमृत वाणी सतगुरु रविदास महाराज जी की, अपना संबोधन है जय गुरुदेव, और अपना महान तीर्थ स्थान है श्री गुरुदास धर्म स्थान मंदिर श्री गोवर्धनपुर, और रविदासिया धर्म का जो नियम है, सभी धर्मों का प्रचार करना, रविदासिया धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो हम सबको आज संत महाराज श्री दास जी ने बहुत महान उपराला किया है कि जगत गुरु रविदास महाराज जी के 641वें जयंती पूर्व पर और रविदासिया धर्म के 9वें स्थापना दिवस पर आज बहुत महान कार्य किया संतों के पर, संतों के लिए प्रसाद के रूप में 6 क्विंटल 41 किलो का केक काटा। ऐसा के बहुत बड़ा सहयोग है। जो लोग अपने रहगोरों को समर्पित हो जाते हैं उनको हमेशा सम्मान मिलता है, और जैसे लायक बच्चे अपने माता पिता की सोच को आगे लेकर जाते हैं, इसी प्रकार लायक पैरों का अपने गुरुओं के विष्णु को आगे लेकर जाते हैं। तो गुरु प्यारे साध संगत जी जगत रविदास जी महाराज ने अमृत वाणी में संदेश दिया है, संतन के द्वारे पर होवे परम आनंद, कह रविदास भगवान में के गावे मन में छंद, कि संतों की शरण में जाकर आनंद की प्राप्ति होती है। और जगत रविदास जी महाराज ने उच्चारण किया, मन ही पूजा मन ही सुरू, मन ही सेव सह सुरू, के मन में हर को याद करना यही धूप है, यही सच्ची पूजा है, और मन में इस प्रभु को याद करना है। तो जगत रविदास जी महाराज की हम संतान है, सतगुरु रविदास जी महाराज ने अमृत वाणी में ये दिया है कि संतों की शरण में जाकर जीव को जीने का और प्रभु के मिलने का मार्ग प्राप्त होता है। तो संत महापुरुष पहला उपदेश देते हैं, अपने बच्चों को शिक्षित करो, विद्या पढ़ाओ। तुम्हें जास्त अपने बच्चों को विद्या पढ़ानी चाहिए, शिक्षा तीसरा नेत्र है, नशों का त्याग करना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा, बड़ों का सम्मान, छोटों के साथ प्यार करना चाहिए, और सुबह शाम अपने गुरु महाराज जगत रविदास महाराज जी को याद करना चाहिए। जगत गुरु रविदास जी महाराज जी के बेगम पूरे वतन के संकल्प को मानवता के मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान बनाकर प्रैक्टिकल का रूप दिया है, और संविधान के तहत हमें सब हक मिले हैं, उन हकों पर पहरा देना हमारा फर्ज बनता है। तो आज हमारे गुरुओं की कृपा से हमें सब कुछ मिला है, तो मैं संत महाराज श्री दास जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये महान उपराला किया है। संत महाराज सुखदेव महाराज जी, संत सतपाल दास जी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जो भारत के कोने कोने में जाते हैं और रविदासिया धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो मैं आप सब संत से बेनती करता हूँ कि हमें अपने रहवर जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जी के विष्णु को आगे लेकर जाना चाहिए, जिनकी कृपा से हमें आज सब कुछ मिला है। तो मैं ज्यादा विस्तार में ना जाता हुआ एक बार फिर आज के
उनकी वर्षा नहीं करेगा, पहले केक कटेगा और ये सभी सामूहिक केक कटेगा। गुरु जी यहाँ मौजूद है, ये सब लोग सामूहिक तौर पर इस केक को काटने का काम करेंगे।